नमस्कार दोस्तों, रोहित टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में आप 6 क्लास में एडमिशन करवाने के लिए जो बच्चे करवाना चाहते हैं उनको क्या-क्या ज़रूरत है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसको आपको भरने के लिए क्या-क्या करना होगा, कैसे, पूरी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप हमारा ये देखिए, इस पे पूरी डिटेल लिखी हुई आवश्यक सूचना है जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की 2023-24 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। अंतिम तिथि, जो इसकी अंतिम तिथि है वो है, अंतिम तिथि जो आप देख रहे हैं इसकी अंतिम तिथि है 31/1/2023। पेपर की जो तिथि है वो 29/4/2023 को है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोनों डिटेल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आपको आवेदन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं वो हम आपको पूरा सिस्टम बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को केवल एक चरण है। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि प्रिंसिपल और आवेदक एवं परिजन के हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है, इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया नियमानुसार स्कैन कॉपी तैयार रखें। अब नंबर 2, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। अभिभावक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ लगेगा। अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र, ये भी जरूरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल केंद्रीय सूची के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय सूची के अंतर्गत ना आने वाले पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने होंगे। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो जिसको कहते हैं, जिसकी इनकम 8 लाख के ऊपर है वो क्रीमी लेयर होता है, जो 8 लाख के नीचे जिसकी होती है वो नॉन क्रीमी लेयर होता है। आवश्यक सूचनाएं, आवेदन वर्तमान सत्र 2022-23 में जिले की किसी एक सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय की 5वीं अध्ययनरत होना चाहिए। आपका बच्चा, जो बच्चा देख रहा है वो, कि आपको किसी सरकारी या अथवा अर्ध सरकारी में आपका बच्चा पढ़ रहा होगा तभी आपका एडमिशन हो सकता है। और आवेदन आवेदक जो है, जो बच्चा है उसकी जन्म तिथि 1/5/2011 से 30/4/2023 के बीच की होनी चाहिए, नहीं तो आपका बच्चे का एडमिशन, जो बच्चा देख रहा है उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर ये है, यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं आपको, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, 1/5/2011 से लेके 30/4/2013 के बीच की जो जन्मतिथि होगी वही मान्य है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।